The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गाउट के बारे में। गाउट ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें के आपके जॉइंट्स पे असर करने लगता है, आपके शरीर का यूरिक एसिड लेवल। और गाउट एक तरीके का आर्थराइटिस है जिसमें के यूरिक एसिड आपके जॉइंट्स में, पहले तो खून में ज़्यादा होने लग जाता है, और जब यूरिक एसिड लेवल आपके खून में ज़्यादा होने लग जाता है तो धीरे धीरे वो इन्फ्लामेशन करने लगता है जहाँ जहाँ वो जमा होता है। सबसे पहले वो जो जमा होता है वो होता है आपके जॉइंट्स में। तो जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा दिक्कतें वो करता है। जॉइंट आर्थराइटिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम विच वी कैन सी इन गाउट। एंड एक्यूट गाउट होता है, क्रोनिक गाउट होता है। एक्यूट का मतलब वो एक ऐसा दर्द होगा आपको जॉइंट में कि पूछो मत। क्रोनिक गाउट मतलब बीच बीच में दर्द होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा ज़्यादातर, और एक से ज़्यादा जॉइंट भी अफेक्ट हो सकते हैं। अल्टीमेटली आपका शरीर में यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा है। यूरिक एसिड जो है नॉर्मल लेवल से अगर ज़्यादा होता है बॉडी में तभी गाउट होता है। और आपकी बॉडी क्या है, या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिक एसिड बना रही है या यूरिक एसिड को वो निकाल नहीं पा रही है, एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है। दोनों ही केसेस में आपको यूरिक एसिड बिल्डअप होने लग जाएगा और यूरिक एसिड धीरे धीरे आपके जोड़ों में जाके, उसके जो जॉइंट के साइनोवियल फ्लूइड है उसमें जाके जमा होने लगेगा और वहाँ जाके आपको करेगा दिक्कत, यानी कि गाउट। और ये बेसिकली यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, क्रिस्टल्स वहाँ जाके जमा होते हैं, इंफ्लामेशन करते हैं, पेन करते हैं, स्वेलिंग करते हैं, गर्माहट करते हैं, वार्म्थ करते हैं, और वहाँ पर दिक्कत होने लग जाती है। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, कॉज में। एक तो जेनेटिक फैक्टर भी है, आपके फैमिली में अगर किसी को गाउट है तो आपको गाउट होने के चांसेस हैं। मेल्स में ज़्यादा चांसेस हैं, फीमेल्स में थोड़े से म्यूनोपॉज के बाद ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ड्रिंकिंग अल्कोहल इज नंबर वन रीज़न वाई पीपल हैव हाई यूरिक एसिड। अगर आप दारू पीते हैं, तो दारू छोड़ दीजिए, आपके यूरिक एसिड लेवल कम होने लग जाएंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे गाउट के चांसेस बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़, किडनी प्रॉब्लम, ओबेसिटी, अनीमिया, सिकल सेल डिजीज़, ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, बहुत सारे कारणों में भी गाउट में यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यूरिक एसिड बढ़ा है तो ये बीमारी है, नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर ये बीमारी है तो आपके यूरिक एसिड भी मॉनिटर करने पड़ेंगे, ऐसा हिसाब। गाउट कुछ प्रकार की दवाओं के वजह से भी हो सकता है। कुछ दवाएं जो कि यूरिक एसिड के बाहर निकाल देने से अफेक्ट करती हैं, जैसे कि अगर आप थायोजाइड डायूरेटिक, यानी कि पानी पेशाब ज़्यादा आने वाली दवाई ले रहे हैं, तो उस तरीके के दवाइयां भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ाती हैं। अब अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ गया तो क्या दिक्कत होगी भाई, ऐसा ज़रूरी नहीं। यूरिक एसिड टेक्निकली आपके खून के अंदर एक नॉर्मल मात्रा में रहना अच्छा होता है। वो यूरिक एसिड एक लेवल पर थोड़ा सा एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी देता है, मगर किंतु परंतु ज़्यादा हो जाना अपने लिए ख़राब है। ज़्यादा हो जाने से उसके क्रिस्टल जमा होने लग जाते हैं, और जो क्रिस्टल जमा होते हैं वो किसी काम के नहीं है। वो ज़्यादातर अगर आपके पैर के अंगूठे, बड़े अंगूठे में अगर जमा होने लग गए तो बिग टो पे आपको वो गाउट अटैक जैसा आर्थराइटिस कर सकते हैं। ज़्यादातर वो बड़े अंगूठे पे, बिग टो, घुटने पे, एंकल पे, इन जगहों पे ज़्यादा इफेक्ट करता है। जॉइंट को फिर सूजन आ जाएगी, दर्द होने लगेगा, फूलने लगेगा, इस तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कई बार दर्द जो है रात को शुरू होता है और कई बार बड़ा होता जाता है, सिवियर होता जाता है, थ्रॉबिंग, क्रशिंग, एक्सक्रूशिएटिंग टाइप ऑफ पेन हो सकता है। जॉइंट आपका थोड़ा लाल हो जाएगा, गरम गरम महसूस होगा और टेंडर भी होगा, दबाने से दर्द भी होगा, सूजन भी होगी, और यहाँ तक कि उसके ऊपर थोड़ी सी कंबल भी आ गया ना तो भी आपको दर्द होगी कि ये क्या है, हटाओ। बुखार भी हो सकता है आपको, और कुछ ही दिनों में फिर ये इस चीज़ को एक्यूट अटैक बोलते हैं, गाउट अटैक, और कुछ ही दिनों में फिर ये अटैक जो है ये शांत हो जाता है, फीवर चला जाता है, कुछ ही दिनों में चला जाता है। टाइम टू टाइम बीच बीच में अटैक आते रहता है, ऑब्वियसली आपको इसके लिए ट्रीटमेंट, दवा लेनी पड़ जाएगी। अब पेन और स्वेलिंग जो है मोस्ट कॉमनली तो कुछ ही दिनों में चला जाता है, लेकिन नेक्स्ट 6 से 12 महीने के अंदर अंदर आपको एक सेकेंड अटैक आ जाता है। तो ये गाउट का सिस्टम है, जिसको फिर अगर बार बार हो रहा है तो उसको क्रोनिक गाउट बोलते हैं, गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं। जॉइंट डैमेज होने लग जाता है, जॉइंट की एक्चुअल मोटिलिटी, मोशन, मोबिलिटी ही पूरी कम हो जाती है, पूरी तरह से हिलना कम हो जाता है। जितना पहले जॉइंट हिल रहा था उतना नहीं हिल पाता है, तो एक्चुअली जॉइंट की मोशन लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ मोशन इन द जॉइंट। तो क्रोनिक गाउट में फिर जॉइंट पेन और सिम्टम्स ज़्यादा लंबे होने लग जाते हैं। अब ये डिपोजिशन जो गाउट के
आपके क्रिस्टल्स का आपके शरीर के अंदर हो रहा है, ये चमड़ी के नीचे भी हो सकता है, ये चमड़ी के नीचे भी, जॉइंट के आसपास की चमड़ी, एल्बोज के नीचे, फिंगर टिप्स के नीचे, कान के नीचे, ऐसे में छोटे छोटे लम्ब्स बना देता है जिसको हम कहते हैं टोफस। टोफस मतलब के लैटिन भाषा में स्टोन को, पत्थर को टोफस कहते हैं, सुना होगा आपने। तो टोफस यानी पत्थर जैसा वहां गांठें बनने लग जाती है, मल्टीपल टोफस लंप आ सकते हैं शरीर के नीचे, चमड़ी के नीचे, कई सालों के बाद। और ये जो है, अगर आप इसके निकालेंगे तो इसमें चौकी मटेरियल दिखेगा। ये हो गया गाउट के एक दूसरा साइड इफेक्ट। अब अगर आप इसके चलते इसका चेकअप कराना चाहते हैं तो यूरिक एसिड ब्लड में चेक हो सकता है, यूरिन में चेक हो सकता है, जॉइंट का एक्सरे हो सकता है, जॉइंट के अंदर का, जॉइंट की जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड उसको निकाला जा सकता है, उसका एनालिसिस किया जा सकता है, उसकी बायोप्सी की जा सकती है, उसके एनालिसिस में आपको वहाँ पे क्लियर कट गाउट के यूरिक एसिड के क्रिस्टल दिख जाएंगे, सीधी बात। अब एक नॉर्मल लेवल यूरिक एसिड का लेवल जो है ब्लड में अगर 7 है, 7 से ज़्यादा है तो वो हाई है, 7 से ज़्यादा है तो वो हाई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका हाई है उसको गाउट होगा, ये नहीं है। इसीलिए कई सारे लोग आप देखेंगे जिनका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा भी हो सकता है 7 से, लेकिन फिर भी उनको किसी प्रकार के जॉइंट प्रॉब्लम नहीं है। जॉइंट प्रॉब्लम कई लोगों में दूसरे फैक्टर्स के चलते भी हो जाते हैं। सो याद रखिए, फिर भी अगर किसी को जॉइंट प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड हाई है, तो यूरिक एसिड कम करके देखना चाहिए कि उनके जॉइंट प्रॉब्लम कहीं यूरिक एसिड के वजह से ही तो नहीं है। दवाइयाँ जो इसमें चलती हैं, सबसे पहले दर्द कम करने की, सूजन कम करने की, एंटी इन्फ्लामेटरी नॉन स्टेरॉयडल एनसेड्स चलते हैं, ब्रूफेन, इंडोमिथासिन, पैरासिटामोल, ऐसी चीज़ें दी जा सकती हैं। और कई बार दर्द इतना हो जाता है कि आपको उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कि कोल्चिसिन और जो दूसरी दवाएँ हैं, जैसे आपके कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, जो आपके दर्द दिक्कत को कम करेंगे, स्वेलिंग को कम करेंगे। और कई बार इंजेक्टेबल दवाइयां भी देनी पड़ जाती है, जिसका नाम है एनाकिनरा, ये भी एक आर्थराइटिस में दी जाती है, आपने आर्थराइटिस वाले वीडियो में भी इस दवा का नाम सुना होगा। कई बार दवाइयों से कुछ ही घंटों, 12 घंटे में ही ट्रीटमेंट से दर्द कम हो जाता है, 48 घंटे में पेन चला जाता है, सूजन चले जाती है, लेकिन दवाइयाँ कंटिन्यू करनी पड़ती है, लंबे समय तक गाउट को, आर्थराइटिस को, यूरिक एसिड को कम रखने वाली दवाइयाँ चलानी पड़ेंगी। उसमें एक दवाई का नाम है आपका एलोप्यूरिनॉल, एक है फेबिक्सोस्टैट, या जिसको हम प्रोबेनिसिड भी कह सकते हैं, प्रोबेनिसिड, फेबिक्सोस्टैट, ये सारी जो दवाइयाँ हैं ये यूरिक एसिड लेवल को खून से कम करती हैं। जब यूरिक एसिड लेवल आपका 6 से नीचे हो जाता है तो वो बेसिकली यूरिक एसिड डिपॉजिट होने से बच जाएगा, ये हिसाब है। सो आपके अगर कोई विजिबल ट्रोफाई हैं आपके जॉइंट्स के ऊपर, जो मैंने कहा स्टोन्स हैं, तो फिर आपको 5 के नीचे लाना होगा यूरिक एसिड इस पर्टिकुलर दवाओं से, ठीक है। सो दवाई किसको चलती है, उसको चलती है जिसके जॉइंट में डैमेज है, टोफाई है, किडनी में स्टोन है, गाउट वाले, या जॉइंट में दिक्कतें हो रही हैं, या फिर एक्चुअली में जिसको पहले ही दवाई चल चुकी है और फिर बढ़ गया, सेकेंड अटैक है, तो फिर तो खाना ही पड़ेगा। लाइफस्टाइल चेंजेस आप क्या कर सकते हैं, आपको दारू बंद करनी है, नंबर वन इम्पॉर्टेंट, सबसे ख़राब है इसमें बियर, जी हाँ, बियर सबसे ख़राब है, वाइन फिर भी ठीक है, वाइन फिर भी चल जाएगी, बियर सबसे ख़राब है। वजन कम करना है, एक्सरसाइज रोज करना है, रेड मीट और शुगरी बेवरेजेस, नीरी शक्कर, गुड़, चीनी, शक्कर, उसको कम रखना है, जी हाँ कम रखना है, और ना के बराबर भी करें, वजन कम करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड खाएं, थोड़े आप डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, उसमें मलाई ना खाएं, बिना मलाई का दूध, वेजिटेबल, नट्स, लेग्यूम्स, अपने फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, कॉफ़ी, विटामिन सी, ये काम करती है, इसमें हेल्प करती है, कॉफ़ी हेल्प करती है, विटामिन सी हेल्प करती है। याद रखिए, यूरिक एसिड लेवल कम करना बहुत मुश्किल नहीं है, गाउट को अवॉइड करना बहुत मुश्किल नहीं है, ये ऐसी बीमारी है जो बचाई जा सकती है, जो रोकी जा सकती है, जो संभाली जा सकती है। गलती आपकी है अगर आप इसको ध्यान नहीं दे रहे, इसका चेकअप नहीं करा रहे, हमसे ना बोलिएगा, गलती है आपकी, हमने दे दी अपनी सारी जानकारी। अगर आपके गाउट को आप ठीक नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, क्रोनिक गाउट या आर्थराइटिस, घुटने, जॉइंट्स खराब होंगे, जो भी जॉइंट में हो रहा है, किडनी स्टोन होंगे, किडनी में क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है, और हाई लेवल के वजह से किडनी फेलियर एक बहुत कॉमन कारण है। प्रिवेंशन के लिए याद रखिए, ट्रिगर्स पहचानिए, गाउट के रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहिए, और अगर आपको कोई भी सिम्टम है तो डॉक्टर से जाके मिलिए, इससे ज़्यादा जानकारी की आपको आवश्यकता नहीं है गाउट के बारे में। सो धन्यवाद, आई होप आपको समझ आया, नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके फिर देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिखिए। धन्यवाद।